और श्रोता तो वास्तव में इतने अच्छे हैं, मैंने आज तक बहुत सारे कवि सम्मेलन पढ़े हैं, लेकिन इतने अच्छे श्रोता मैंने अभी तक कश्मीर और कन्याकुमारी से लेकर, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कहीं नहीं देखे, क्योंकि इतने दूर दूर तक मैं कभी गई ही नहीं। बहुत अच्छे श्रोता हैं यहाँ के, आप सबको मैं प्रणाम करती हूँ। बहुत दूर से आप सबके बीच में कविता पाठ के लिए आई हूँ। मैं चार पंक्तियाँ आप सबके सम्मान में पढ़ रही हूँ, आपको बात पसंद आए तो मुझे आशीर्वाद देंगे, सुनिएगा। अजाने रास्तों पर हम भरोसा करके आए हैं, तुम्हारे शहर में लंबा सफर तय करके आए हैं, तुम अपनी शाम को बस आज हमारे नाम पर कर दो, गजल गीतों से हम दामन हमारा भर के लाए हैं, गजल गीतों से हम दामन हमारा भर के लाए हैं। और हम जब इस ग्लास हाउस में जब हमने कदम रखा तो श्रोताओं की मात्रा बहुत कम थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद बरसात की वजह से या जैसा भी मौसम है, जहां अक्सर श्रोताओं की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, हम बहुत लंबी जोड़ी ऑडियंस में कविताएं सुनाते हैं, जैसे जैसे श्रोताओं का आना शुरू हुआ कवियों के चेहरे भी खिलते गए, क्योंकि वक्ता और चेहरा, वक्ता और श्रोता दोनों का होना किसी भी आयोजन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। मैं चार पंक्तियाँ कवियों की तरफ से यहाँ उपस्थित सभी श्रोताओं को दे रही हूँ, सुनिएगा। हाँ कविता जी। कि आए क्या आप इस फिजा में जान आ गई, वाह। आए क्या आप इस फिजा में जान आ गई, होंठों पे सबके देखिए मुस्कान छा गई, मौसम भी था मायूस यहाँ आपके बगैर, बेजान बांसुरी थी उसमें तान आ गई, क्या बात है, वाह। बेजान बांसुरी थी उसमें तान आ गई, और आ ही गए हैं आप तो एक काम कीजिए, सारे ही कलमकारों का सलाम लीजिए, इस बज़्म में शायरी की यूं रौनक बढ़ाइए, कविता के नाम आप अपनी शाम कीजिए, क्या बात है, वाह। कविता के नाम आप अपनी शाम कीजिए। और इसके बाद मैं देश में कुछ ताजा घटनाओं पर दो छंद आप सब तक पहुंचा रही हूं, मंच का और आप सबका आशीर्वाद चाहूंगी। हाँ, सुनिएगा। देश में पिछले दिनों घटी कुछ ताजा घटनाओं पर दो छंद दे रही हूं। कि तहलका ने देश में मचा दिया है तहलका, अटल जी आप भी तहलका मचाइए, तहलका ने देश में मचा दिया है तहलका, अटल जी आप भी तहलका मचाइए, दीपक के नीचे है अंधेरा भला किस लिए, मर्द हो के थोड़ी मर्दानगी दिखाइए, वाह। और रक्षा सौदों में है जिस जिसने दलाली खाई, रक्षा सौदों में है जिस जिसने दलाली खाई, उन सब दलालों के सिर मुंडवाइए, और इससे पहले कि प्रश्न चिन्ह लगे आप पर, सारे भ्रष्टाचारियों को जेल भिजवाइए, वाह वाह।
इससे पहले कि प्रश्न चिन्ह लगे आप पर, सारे भ्रष्टाचारियों को जेल भिजवाइए। अगर सारे भ्रष्टाचारी जेल चले गए तो संसद कौन संभालेगा, सारी खाली हो जाएगी साहब। आप है ना, नहीं मैं जब तो आप मंच को संभाल सकते हैं तो देश तो आराम से संभाल सकते हैं। नहीं वो नहीं समझ सकता। किसी ने कहा है मित्रों, सपेरे सपेरे बिल पर बिल लिए बैठे हैं, बिल समझते ना जहां सांप रहते हैं, सपेरे बिल पर बिल लिए बैठे हैं, सांप भी समझदार हैं, दूरबीन लिए बैठे हैं, दूरबीन लिए बैठे हैं, उनको संभालना अपने आप को संभालने के बराबर है। हमारे देश में आज जो सबसे बड़े स्टार हैं वो तीन लोग हैं, एक तो हैं क्रिकेटर, दूसरे फिल्म एक्टर और तीसरे पॉलिटिशियन। लेकिन इनकी वास्तविक स्थिति क्या है वो एक छंद के माध्यम से आप तक पहुंचा रही हूं कि नेता हो या अभिनेता या हो खेल में विजेता, नेता हो या अभिनेता या हो खेल में विजेता, सत्ता पाते ही वो पहला काम ये ही करता है। नोट खाए नोट पिए, नोटों पे ही सोए, लेकिन फिर भी इन पापियों का पेट नहीं भरता है। पैसे के लिए खिलाड़ी मैच फिक्स करे और अभिनेता अंडरवर्ल्ड के आगे पानी भरता है। और नेता की तो बात क्या है, चंद रुपयों के खातिर देश से गद्दारी कर कुर्सी पे मरता है। मैं गीत और गजल विधा की लेखिका हूँ, राजस्थानी में भी लिखती हूँ। अपनी इन विधाओं का परिचय आपको दूंगी, मैं दूसरे दौर में गीत गजल से आपको नवाजूंगी। उससे पहले मैं एक हास्य की रचना, राजनीति से जुड़ी हुई, आज देश की भ्रष्ट राजनीति को रेखांकित करती हुई एक रचना मैं आप सब तक पहुंचा रही हूँ। मित्रों हमारे बीच गिरी साहब श्रम मंत्री जी आए हुए हैं, एक बार जोरदार सम्मान में तालियां हो जाए। गिरी साहब श्रम मंत्री, आज ये कवि सम्मेलन सुनने के लिए हमारे बीच बैठेंगे। और मित्रों कवियों के बीच में वही बैठ सकता है जिसका दामन साफ होता है, एक बार इनकी हिम्मत पर दाद दीजिएगा, जोरदार सम्मान में तालियां बजाइएगा गिरी साहब के लिए। आदरणीय मंत्री जी का मंच से स्वागत और अभिवादन करती हूँ और इसके साथ ही अपना रचना पाठ जारी रखती हूँ। हाँ कविता जी। पहले हमारा देश कृषि प्रधान देश हुआ करता था जो कि आज कृषि प्रधान देश हो गया है। और हमारे देश की जो सबसे बड़ी कुर्सी है वो है प्रधानमंत्री की कुर्सी। कुछ समय पहले चुनाव संपन्न हुए थे और सभी नेता इस कुर्सी के, इस सत्ता सुंदरी के उम्मीदवार बनकर आए थे। कुर्सी सब में से अटल जी का वर्णन करती है, उन्हें अपना प्रधानमंत्री चुनती है। बाकी सब नेता क्या प्रतिक्रिया इस कुर्सी को देते हैं और कुर्सी उन्हें वापस क्या जवाब देती है, इस सब को मैंने फिल्मी गीतों की रचना के माध्यम से कहने का प्रयास किया है, आप सब तक पहुंचा रही हूं। आपको बात पसंद आए, अच्छी लगे, सच्ची लगे तो यहां उपस्थित सभी श्रोता मुझे तालियों के साथ नवाजें और ऐसा लगे कि रचना जनता के बीच में पड़ी जा रही है, अजंता की गुफाओं में नहीं। तो आप देखिए कि एक एक नेता कुर्सी के सामने आते हैं और क्या कहते हैं। अच्छा एक बात मैं स्पष्ट कर दूं कि कवि किसी भी पार्टी का नहीं होता है, मैं भी किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ी हुई नहीं हूं, हमें तो बस टी पार्टी, बर्थडे पार्टी, मैरिज पार्टी तक ही हमारा नाता रहता है। रचना आप तक पहुंचा रही हूं और अब सबसे पहले आ रही हैं सोनिया जी जो कि सत्ता में आना नहीं चाहती थी लेकिन आ गई। तो इस सत्ता के मैदान में आने के बाद सोनिया जी अपनी क्या प्रतिक्रिया देती हैं वो आप देखिए और बात पसंद आए मुझे आशीर्वाद दीजिएगा। हाँ कविता जी। क्या कहती हैं सोनिया जी, मैं कुड़ी अनजानी हो आहा, सत्ता है अनजानी हो आहा। आप साथ दे सकते हैं मेरा, आपको बात पसंद आए अच्छी लगे तो।
मैं कुड़ी अनजानी हो आहा, सत्ता है अनजानी हो, यहाँ पे झगड़े वहाँ पे लफड़े, ये संसद है या कोई पागल खाना, मैं कुड़ी अनजानी हो आहा, सत्ता है अनजानी हो आहा। और अब कुर्सी उनको क्या कह रही है, अकेली न संसद में जाया करो, नजर लग जाएगी, क्या बात है, सबकी नजर में न आया करो, नजर लग जाएगी, है इन सारे कांटों में एक ही गुलाब, के सारे नेताओं की नीयत है खराब, नजर लग जाएगी, अकेली न संसद में जाया करो, नजर लग जाएगी। और इनके बाद आ रहे हैं एचडी देवेगौड़ा साहब, जो कि 10 महीनों के लिए प्रधानमंत्री बने थे और फिर हटा दिए गए थे। तो देवेगौड़ा जी क्या कह रहे हैं इस कुर्सी से, आए थे मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके, मस्ती में जी रहा था रंगा सियार बनके, कमबख्त केसरी क्यों हाय, कमबख्त केसरी क्यों आया कटार बनके, आए थे मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके। क्या बात है, वाह। और कुर्सी वापस जो जवाब देवेगौड़ा को देती है, आपको बात पसंद आए अच्छी लगे तो सभी मुझे आशीर्वाद दें। कुर्सी क्या कहती है देवेगौड़ा जी से, कि घोड़े सी सूरत मारे दुलत्ती आए हाय, घोड़े सी सूरत मारे दुलत्ती दूर खड़ा हिन हिन आए आए हाय, और तेरा गधों के बीच ये घोड़ा मन ही मन इतराए आए हाय, ये अस्तबल में ही अच्छा है कोई इसे समझाए, घोड़े से सूरत मारे दुलत्ती दूर खड़ा हिन्हीं आए आए हाय। और अब आते हैं नरसिंह राव, और उन वो कुर्सी से क्या कहते हैं वो आप देखिए, कि लात मारे ये कुर्सी, लात मारे, लात मारे ये कुर्सी, लात मारे मुझको भगाए रुलाए भरे बुढ़ापे में, मुझे दे गई दगारे इसे क्या हुआ रे, ये कुर्सी लात मारे, लात मारे ये कुर्सी लात मारे। और कुर्सी का नरसिंह राव को जवाब देखिए, तुझे फिर से मेरा पीएम बना लूं, हो नहीं सकता, हो नहीं सकता, हो नहीं सकता, हो नहीं सकता, तेरे सारे में घोटाले पचा लूं, हो नहीं सकता, हो नहीं सकता, वफादारी निभाए तो नहीं ये हो नहीं सकता, कि कौवा हंस बन जाए कभी ये हो नहीं सकता, तेरी मैं काली कर तू ते बचा लूं, हो नहीं सकता, हो नहीं सकता। और इनके बाद आ रहे हैं आई के गुजराल साहब, और वो क्या कह रहे हैं, आए इलेक्शन हुआ ना सिलेक्शन, छूट गई कुर्सी तो बढ़ गई टेंशन, अब तो मेरा दिल जागे न सोता है, क्या करूं हाय, छुप छुप रोता है, क्या करूं हाय, छुप छुप रोता है,
और आप में से शायद बहुत से लोग ये जानते होंगे कि गुजराल साहब हमारे भारत के नहीं है, उनका जन्म पाकिस्तान के लाहौर शहर में हुआ है। कुर्सी उनसे क्या कह रही है कि तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे, तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे, तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे, दिल्ली छोड़कर एक दिन तुम भी भाग जाओगे, दिल्ली छोड़कर एक दिन तुम भी भाग जाओगे। और आखिर में आते हैं अटल बिहारी वाजपेयी, और अटल जी इस कुर्सी से क्या कहते हैं, आपको बात वास्तव में अच्छी लगे तो यहां उपस्थित सभी श्रोता मुझे तालियां बजाकर आशीर्वाद दें। सुनिएगा अटल जी क्या कहते हैं कुर्सी से कि मैं हूं एक कुंवारा, कुंवारी चाहिए सत्ता के सफर में, संग नारी चाहिए, अकेला है मिस्टर बिहारी, मिस बिहारी चाहिए। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, वाह। अकेला है मिस्टर बिहारी, मिस बिहारी चाहिए, कुर्सी जीत ले जो वो जुआरी चाहिए, जनता को भी पीएम ब्रह्मचारी चाहिए, अकेला है मिस्टर बिहारी, मिस बिहारी चाहिए। और कुर्सी जब उनको अपना प्रधानमंत्री चुन लेती है तो क्यों चुनती है ये बताते हुए कुर्सी क्या कह रही है, सुनिएगा कि तुझ में दम है जान गई हूँ, मैं तुझको पहचान गई हूँ, ओ मेरे सरकार ओढ़ली चुनरिया, मैंने तेरे नाम की ओढ़ली चुनरिया, मैंने तेरे नाम की, जयललिता कुछ भी बोले मैं हूँ तेरे साथ, साथ हूँ मैं तो डरना क्या, जब साथ हूँ मैं तो डरना क्या। और अंतिम रूप से हाँ, इस दौर में मेरे को बताया गया था कि राजस्थानी समाज के काफी लोग यहाँ हैं और राजस्थानी मारवाड़ी समझते भी हैं, तो मुझे फरमाइश की गई थी कि मैं एक राजस्थानी रचना जरूर सुनाऊं। तो इस दौर के अपने कविता पाठ का समापन मैं उस राजस्थानी रचना के साथ करना चाहूंगी। राजस्थान की धरती से आई हूँ और राजस्थानी भाई बहनों के बीच में खड़ी हूँ, तो मैं इस विधा का परिचय भी आपको देना चाहूंगी। हमारे राजस्थानी समाज में बहुत सारी समस्याएं हैं और फैशन बहुत कुछ समाज के अंदर घुस गया है। फिल्मों की और टीवी की संस्कृति का जो कुछ भी प्रभाव हमारे समाज के ऊपर पड़ा है उस पर मैंने कुछ दोहे लिखने की कोशिश की है, फैशन के अंधानुकरण, जो मैं आप सब तक पहुंचा रही हूं। और इस रचना की विशेषता यह है कि इसमें मुझे आप सब लोगों के साथ की भी जरूरत पड़ेगी, ऐसे हाथ बांधकर बैठने से काम नहीं चलेगा। और रचना में साथ कहां देना है यहां आप सब प्रबुद्ध श्रोता हैं, वो आप स्वयं जान जाएंगे। रचना आप तक पहुंचा रही हूं, सुनिएगा कि धक धक कर तो आ गयो फैशन रो इंजन, धक धक कर तो आ गयो फैशन रो इंजन, और जगह जगह छे लाग रया डिस्को रोटेशन, छुट्यो ब्रेक डांस पटाखो मचायो खूब धमाको। हाँ, तो ये आपको पता लग गया ना साथ कहाँ देना है, तो आप बराबर रचना के अंत तक अगर आप लोग साथ देंगे तो मैं रचना पूरी करूंगी, वरना बीच में छोड़ दूंगी। रचना पहुंचा रही हूँ और सभी लोग खुलकर दाद दें थोड़ा, तो मुझे सुनाने में अच्छा लगेगा, आपको सुनने में अच्छा लगेगा, सुनिएगा। आप घबराइए मत, सब ठेकेदार, हाँ, जितने ठेकेदार हैं सारे चैतन्य होकर बैठ जाएं ठेके लगाने के लिए, सुनिएगा।
कि धक धक कर तो आ गयो फैशन रो इंजन और जगह जगह छे लाग रहा डिस्को रोटेशन छुट्यो ब्रेक डांस पटाखो मचायो खूब धमाको छुट्यो ब्रेक डांस पटाखो मचायो खूब धमाको। हाँ ये हुई कोई बात। अब लग रहा है यहाँ कवि सम्मेलन चल रहा है, कहीं ऐसा ना लगे कि यहाँ सब बैठने के लिए आए हों, लगना चाहिए यहाँ कवि सम्मेलन चल रहा है। सुनिए कि जी टीवी ने सिखाई दियो पॉप सॉन्ग रैप सॉन्ग और मायड भाषा भूलने गाय रया डिंग डोंग भजन नहीं कोई भावे कि फिल्मी गाना गावे भजन नहीं कोई भावे कि फिल्मी गाना गावे नारियां केश कटाई रही पुरुष बढ़ावे बाल क्या बात नारियां केश कटाई रही पुरुष बढ़ावे बाल पूरबरी घोड़ी चले इब पश्चिमरी चाल कूण नर कूण है नारी हुई पहचान या भारी कूण नर कूण है नारी हुई पहचान या भारी राम राम अब कूण करे नमस्कार नहीं भाई हेलो हाय कर रया और करे गुड बाय गजबरा छोरा छोरी टांग अंग्रेजी तोड़ी गजबरा छोरा छोरी टांग अंग्रेजी तोड़ी। और देखिएगा कि घर घर री बिगड़ी दशा पिक्चर रो परताप घर घर री बिगड़ी दशा पिक्चर रो परताप बाप होयो जद डोकरो बेटो बन गयो बाप हवाया उल्टी चाली उजाड़े बाग ने माली हवाया उल्टी चाली उजाड़े बाग ने माली। और आखिर देखिएगा कि सांची सांची बोल दे खोल ढोल री पोल सांची सांची बोल दे खोल ढोल री पोल कल जुग कहड़ो आ गयो बोल रे मिठू बोल जमानो कहड़ो आयो यो फूटी आंख न भायो जमानो कहड़ो आयो यो फूटी आंख न भायो। मित्रों यह थी कविता किरण। अब मैं उस कवि को बुलाना चाहता हूं जो हिंदुस्तान का एक ऐसा मात्र कवि है जिसको हिंदुस्तान के बाहर 3 घंटे के लिए वन मैन शो के लिए बुलाया जाता है, हास्य सम्राट भाई श्याम ज्वालामुखी। हकीम साहब जी, इस्माइल साहब, सूद साहब, पाटिल साहब, समस्त कविगण तथा यहाँ उपस्थित समस्त अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानसिक रूप से बालिग अहिंसावादी श्रोताओं, मैं आपके सन्मुख अवतरित हो गया हूँ और जब तक आप सहन करेंगे अंतर ध्यान नहीं होऊंगा। बहुत अच्छे। मैंने पूरे देश का दौरा किया, यहाँ जितने अच्छे श्रोता मैंने देखे कहीं नहीं देखे, और यही बात मैं जहां भी जाता हूं। वाह क्या बात। ये बात मजाक हो सकती है पर मैं सही बात कहने के बाद अपनी औकात पर आऊंगा, और वो सही बात यह है जैन यूथ फेडरेशन वो काम कर रही हैं जो इस देश में बहुत कम व्यक्ति कर पाते हैं। विकलांगों को हाथ लगाना, पांव लगाना, ये जो अपने घर में बुजुर्ग बा होती हैं जो बच्चों को संभालती हैं, ऐसा काम कर रही हैं। और हुबली में बा शब्द की कमी है,
इनके कारण बाल लग गया, ये बाहुबली है। क्या बात है। और अब मैं अपनी औकात पे आता हूँ। वैसे सिंघवी जी, महेंद्र सिंघवी जी भी बहुत दानवीर हैं। इन्होंने एक संस्था को 1,00,000 रुपए का चेक डोनेशन में दिया। संस्था के अध्यक्ष ने कहा, भाई साहब इस चेक पर साइन तो कर दो। ये बोले, साइन नहीं करूंगा, इसी को गुप्त दान कहते। क्या बात है, वाह 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 श्याम जी वाह। और वो चेक भी करार बैंक का। अभी हम जिस होटल में रुके, मैनेजर साहब ने आते ही बोला, वडक्कम। मैंने कहा, श्याम ज्वालामुखी। फिर दोपहर को बोला, वडक्कम। मैंने कहा, श्याम ज्वालामुखी। फिर मैंने एक जने से पूछा, वडक्कम का क्या मतलब। बोला, मैं स्वागतम नाम पूछ रहा होगा। तो मैंने सोचा पहले मैं ही इसका नाम बोल दूं। मैंने कहा, वडक्कम। तो वो बोला, श्याम ज्वालामुखी। तो ये देश ही बड़ा अजीबो गरीब देश है। अजीबो गरीब से मेरा मतलब है अजीब ढंग का गरीब देश। बहुत अच्छा। यहाँ कब क्या हो जाता पता ही नहीं चलता। अब पहले देश ठीक ठाक चल रहा था तो प्रधानमंत्री जी के घुटनों में दर्द हो गया। अब मैं जानता था दर्द तो हो गई जब जगह जगह घुटने टेकेंगे। क्या बात है, वाह श्याम जी वाह। तो घुटनों में दर्द नहीं होगा तो क्या होगा। बंबई में इलाज हुआ, ठीक हुए। बंबई दिल्ली के घुटने ठीक करती हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री जी के फिजिकल घुटने हो चाहे दिल्ली के आर्थिक घुटने। क्या बात है। अब आप कविता से जुड़ो, आप तो ऐसे बैठे हैं जैसे कावेरी विवाद के धरने पे बैठे हो। बहुत अच्छे। तो अब एक लक्ष्मण जी सेंचुरियां बना रहा था, दूसरे लक्ष्मण जी गड्डियां गिन रहे थे। क्या बात है। मैं समझ गया, भगवान राम ने भाजपा को सत्ता दिलाई, ये लक्ष्मण जी बनवास दिलवा दे। क्या बात है, वाह बहुत अच्छे। अच्छा हुआ अब उनको पद से हटा दिया, वरना पहले कमल कीचड़ में कमल हुआ, फिर कमल में कीचड़ फैल जाता। क्या बात है, बहुत अच्छे। इलाज तो होता है। कांग्रेस पहले नर्वस थी, अब नारीवश है। क्या बात है। सबकी हालत खस्ता है। अटल जी को बहुमत मिल गया जबकि घर में बहू है ही नहीं। बहुत अच्छे। और जब नहीं मिला तो सबसे समर्थन मांग रहे थे, इस चक्कर में लालू जी से भी समर्थन मांग लिया। अटल जी इतने विद्वान है और यही भूल गए, एक बार है बच्चों का बाप, एक ब्रह्मचारी को कैसे समर्थन देगा। क्या बात है, वाह। विचारधारा ही नहीं मिलती। और अक्कल होती तो समर्थन दे भी देता, पर अनाज खावे तो अक्कल आवे। क्या बात है, वाह श्याम जी वाह, बोल अच्छे वाह। चारा खाने से ही अक्कल आ जाती तो तबेले की सारी भैंसे पीएचडी नहीं हो जाती। क्या बात है, वाह। पर एक बात सच है, अपने चारा खाना भी कोई कम बात नहीं है। अपने महाराणा प्रताप ने घास की रोटी खाई, वो देशभक्त कहलाए। इस हिसाब से लालू जी से बड़ा देशभक्त कौन होगा। वाह। जिसने चारा खुद खाया और रबड़ी राष्ट्र को समर्पित कर दिया। क्या बात है, वाह वाह श्याम जी वाह, क्या बात, बहुत अच्छा। कितना बड़ा त्याग है। अब ये अपना अपना मुकद्दर है, ये अपना अपना मुकद्दर है। बिहार गरीब प्रांत है, फिर भी बिहार वासियों की किस्मत में रबड़ी लिखी है। कर्नाटक इतना संपन्न है पर मुकद्दर में इडली बड़ाई लिखा। बहुत अच्छा। तो कोई क्या कर सकता है। पर लालू जी है बड़े ब्रिलियंट,
उन्होंने सीताराम केसरी जी से कहा था मुझे समर्थन दो, मैं भी पीएम बन जाऊं। सीताराम जी बोले पीएम बनने के लिए अंग्रेजी सीखना जरूरी है। तो लालू जी 3 महीने के लिए बिल क्लिंटन के पास अंग्रेजी सीखने गए। 3 महीने बाद सीताराम जी ने मोबाइल फोन पर बिल क्लिंटन साहब से पूछा, व्हाट इज प्रोग्रेस इन इंग्लिश ऑफ लालू यादव? तो बिल क्लिंटन बोला, ई ससुरा अंग्रेजी ना सीख सका। क्या बात है, वाह 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 श्याम जी, वाह बहुत अच्छे, वाह वाह। तो ये भी होता है। बाकी कवि बनने से पहले मैं भी इंसान था। जो भी पत्नी पीड़ित होता है वो कवि बन जाता है, जैसे महाकवि तुलसीदास जी, कालिदास जी, और मैं तो पत्नी पीड़ित का यहाँ भी। अब मुझे बुलाया किरण जी के बाद में, पर हीरोइन और हीरो के बीच में खलनायक तो आ ही जाता। अब दाढ़ी लगा रखी है, ये तो दाढ़ी भी ऐसी है जैसे असली हो, डाकू ही दिखते हैं। पर मुझे समझ में नहीं आता कि जब भी कवि सम्मेलन करवाते हैं सिंगी साहब, ये कवियत्री को क्यों बुलाते हैं? क्या बात है, क्या बात, क्या माना कि कवि रेडियो है, कवियत्री टीवी है, जिसे देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। क्या बात, वो मैं मानता हूँ टीवी है, पर चैनल तो बदले। क्या बात है, बहुत अच्छे। अब मैं देख रहा हूँ जितने भी हंस रहे हैं, जब कविता जी श्रृंगार रस के गीत सुना रही थी खूब हंस रहे थे और बड़ा आनंद ले रहे थे। जिनके सफेद बाल आ गए वो तो ज्यादा ही आनंद ले रहे थे। तो मैं समझ गया, कोयले पर सफेद राख जम जावे तो इसका मतलब ये नहीं कि अंदर आग नहीं। क्या बात, वाह वाह। पर आग तो है, पर बुढ़ापे में भी कहीं प्यार होता है, पके आम का भी कहीं अचार होता। वाह श्याम जी, मैं ये बताना चाहता हूँ कि कौन कहता है बूढ़ों का दिल धक 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 नहीं होता? कौन कहता है कि बूढ़ों का दिल धक 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 नहीं होता? कौन कहता है कि इनको प्यार करने का हक नहीं होता? बड़े रंगीन होते हैं ये बूढ़े, इनकी किस्मत अच्छी, इन पर किसी को शक नहीं होता। वाह, शक होने जैसा कोई काम हो तो शक भी करो, निष्काम प्रेम में शक की कोई बात। प्यार एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसका हस्ताक्षर चुंबन है, और चुंबन एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी अलग अलग कस्टमर के लिए अलग अलग कास्ट होती है। कस्टमर का मतलब ही होता है जो कष्ट से मरे। ये बच्चों को मुफ्त मिल जाता है, जवान को कोशिश करनी पड़ती है, और बूढ़ों को खरीदना पड़ता। क्या बात है, वाह 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 श्याम जी, वाह बहुत अच्छे। तो मैं तो खैर प्यार मोहब्बत से दूर रहता हूँ, प्यार करता हूँ तो हेमा मालिनी या रेखा से कर लेता हूँ, तो पर देख लेता हूँ उनको सिनेमा में, और इतना ज्यादा प्यार करता हूँ कि उनको देखने के लिए भी आगे ही आगे बैठता। पर जैसा मैं बता रहा था, पत्नी पीड़ित था तो कवि बन गया। शादी से पहले कन्या 16 सोमवार करती है, शिव जी प्रसन्न होते हैं, कहते हैं कोई भी 3 वर मांग लो। समझदार कन्या कहती है, भगवान 3 वर का मैं क्या करूंगी, ढंग का हो तो 1 वर ही बहुत। बहुत अच्छे। तो मैं तो ढंग का निकल गया। मैं जानता हूँ लोग क्यों हंस रहे, सोच रहे ढंग का ही ऐसा है तो बेढंगा कैसा होगा। पर विश्वास दिला दूं, मैं ढंग का हूँ, इसीलिए कविता पढ़ रहा हूँ, वरना कविता नहीं पढ़ रहा होता, संचालन कर रहा हूँ।
अब मैंने एक दूल्हे को प्रेजेंट देते हुए कान में कहा, कैसे दुल्हन से शादी कर रहे हो, देखा नहीं? रंग काला है, नाक चपटी है, दांत टेढ़े है, एक आंख है ही नहीं। वो बोला, ज्वालामुखी जी आप कान में क्यों कहते हैं? अरे जोर से बोलो या सुनती भी नहीं। बहुत अच्छे। और आजकल तो बिना देखे तो करते जो करते हैं वैसे ही विज्ञापन पे शादी कर लेते हैं, इंटरनेट पे ही शादियां हो रही है, जिसे साइबर मैरिज कहते हैं। अब मेरे एक मित्र ने इंटरनेट पे शादी कर ली, बाद में पता चला जिस दुल्हन से शादी की वो 3 बार तलाकशुदा है। तो उसने कहा, तुमने धोखा दिया। दुल्हन बोली, क्या? हाँ, मेरी कविता के बीच में जो उठ कर जाता है उसे रात को बुरे बुरे सपने आते हैं। सपने में लालू यादव दिखेगा, कांशीराम दिखेगा, मायावती दिखेगी, और वो कोई नहीं दिखेगा तो मैं तो दिखूंगा। अब उस दुल्हन ने कहा, तुमने मुझे धोखा दिया। हाँ हाँ भाई, ये जो बच्चे घूम रहे हैं, ये जिसका भी कर्म फल हो वो संभाले। भगवान श्री कृष्ण ने गीता जी में साफ कहा है, जो कर्म करेगा उसी को फल मिलेगा। ये नहीं कर्म खुद करे और फल को औरों की छाती पर छोड़ दे। बहुत अच्छे, क्या बात है, वाह श्याम जी। तो मेरे मित्र ने इंटरनेट पर शादी कर ली, बाद में पता चला पत्नी तलाकशुदा है। तो उसने कहा, तुमने धोखा दिया। क्या धोखा दिया? ये तो बताया ही नहीं तलाकशुदा है। तो दुल्हन बोली, विज्ञापन में तो विशेषताएं लिखी जाती हैं, कमियां थोड़े लिखी जाती हैं। बहुत अच्छे। कहा, नहीं धोखा तो दिया। हाँ, ये इनको चुप कर लो बच्चों को। वैसे तो मैं इन्हीं के लिए सुना रहा हूँ कविता, बाकी सब बोनस में सुन रहे हैं। क्या धोखा दिया? कहा तलाक सुनाओ। तो दुल्हन को गुस्सा आया, बोली, तुम क्या करते हो? बोला, खिलाड़ी हूँ। खेल तो कई होते हैं, हॉकी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, किस खेल के खिलाड़ी हो? क्रिकेट का। क्रिकेट में भी कई तरह के खिलाड़ी होते हैं, बैट्समैन होते हैं, फील्डर होते हैं, बॉलर होते हैं। बॉलर हूँ। बॉलर भी कई तरह के होते हैं, फास्ट बॉलर होते हैं, मध्यम गति के होते हैं, स्पिनर होते हैं। स्पिनर हूँ। तो दुल्हन बोली, बेवकूफ, स्पिनर को भी कभी कोई नई गेंद मिलती है क्या? क्या बात है, वाह श्याम जी वाह, बहुत अच्छे, वाह वाह, बहुत बढ़िया। तो मेरी पत्नी तो पतिव्रता है। मेरी पत्नी तो पतिव्रता है। पतिव्रता का मतलब आप गंभीरता से न लें, जो पति को रोज व्रत करवाने उसी को पतिव्रता कहते। क्या बात है। और जैन हो तो संथारा करावे। ये अब वो मुझे कहती है कि मुझे कार में बिठाओ। पत्नी की आदत होती है कि पत्नी को कार में बिठाओ तो बस में आती है, बस में बिठाओ तो बस में नहीं आती। क्या बात है, वाह वाह वाह। हाँ, कंट्रोल में नहीं आती। हाँ हाँ, क्या बात की बात नहीं है। मेरी कविता समझने के लिए भी मिनिमम क्वालिफिकेशन पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। जो समझ जाता है एक बार हंसता है, जो नहीं समझता 3 बार हंसता है। एक बार सबके साथ हंस जाता है, दूसरी बार कविता समझ में आती तब हंसता है, तीसरी बार वो केवल इसलिए हंसता है कि अरे पहली बार तो अपन फोकट में ही हंस गए। तो जो पहली बार हंसेगा वही समझदार है। भाव देखो, भाषा पे मत जाओ।
अब मेरे छोटे भाई की शादी हुई, बहू ने पांव छुए, मैंने आशीर्वाद दिया, दूधा नाओ पूता फलो ध्यान रखना सा। भारत बड़ा विचित्र देश है, यहाँ साल में 3 ऋतुएं होती हैं, ये भी ध्यान रखना साल में 12 महीने होते हैं, और ये भी ध्यान रखना कि 12 महीने में 1 महीना ज्येष्ठ का भी होता। क्या बात है, वाह 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 वाह। अब मैं तो चेत बैसाख ज्येष्ठ के हिसाब से बोल रहा था, और कोई बात समझ जाना। तो पत्नी बोली कार में बिठाओ, पत्नी को कार में बिठाओ तो बस में आती है, बस में बिठाओ तो बस में नहीं आती। अब मैं कार कहाँ से लाता, महंगाई ज़्यादा है, और जहाँ मैं रहता हूँ बम्बई में तो पूरी दुनिया से ज़्यादा महंगाई है, वहाँ तो एक सुपारी 5 लाख रुपए की मिलती। क्या बात है, वाह 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 शामी, बहुत अच्छे। अब हमारे पप्पू जी कार नहीं ला सके तो एक साधु के पास चले गए, सोचे मुफ्त में काम हो जावे। पांव छुए और कहा पत्नी को वश में करने का कोई मंत्र दे दो। अब ये इतना विद्वान व्यक्ति है और यही भूल गया, यही इसे पता नहीं साधु के पास ही पत्नी को वश में करने का कोई मंत्र होता। तो वो साधु ही क्यों बनता, आप समझ गए, एडवांस कॉन्ग्रेचुलेशन। और कुछ महंगाई टीवी के विज्ञापनों से बढ़ गई, जबकि विज्ञापन सब असत्य होते हैं, सारा पैसा तो विज्ञापन में लगा दिया, मटेरियल में क्या लगा। बहुत अच्छे। अब विज्ञापन आया, बजट से कपड़े साफ होते हैं, बजट से मेरा पूरा घर साफ हो गया, कपड़े साफ नहीं हुए। अब निर्मा से दाग मिट जाते, मेरी बनियान पर तो निर्मा का दाग लग गया, वो नहीं मिट रहा। एक हीरोइन लक्स से नहाई और गोरी हो गई, लक्स से ही कोई गोरा हो जाता तो पूरा मद्रास कश्मीर नहीं हो जाता। क्या बात है, वाह वाह, बहुत अच्छे श्याम, क्या बात, वो वेस्ट इंडीज वाला लारा लारा दत्ता नहीं हो जा। बहुत अच्छे। रोज आता है आयोडेक्स मलिए काम पर चलिए, आयोडेक्स मलिए काम पर चलिए, अरे जो 10 साल से बेरोजगार हैं वो आयोडेक्स मलते ही कौन से काम पे जा। बहुत अच्छे। HMT घड़ी सही टाइम बताती है, HMT घड़ी सही टाइम बताती है, जिसका जिंदगी में कभी सही टाइम नहीं आया। बहुत अच्छे, वाह श्याम जी, वाह वाह वाह। उसे घड़ी क्या सही टाइम बताएगी, सोने जैसे गेहूं से बना आटा खाइए, तो सोना ही दे दो ना, क्यों सोने का आटा बना। तलवार जैसी धार वाला ब्लेड लीजिए, दाढ़ी बनानी है या गला काटना। क्या बात, बहुत अच्छा। चाइनीज सीक्रेट, चाइनीज फूड खाइए, बिना चाइनीज फूड खाए तो 100 करोड़ हो गए। कुछ भी विज्ञापन आ जाता है जिसका कोई अर्थ ही नहीं निकलता, दिगंबर क्लोथ मिलके कपड़े पहनिए। बहुत अच्छे, वाह। अब शाहरुख खान, हाँ शाहरुख खान एक 10 रुपए की पेप्सी पी रहा और बोला दिल मांगे मोर। अरे मोर तो तू खुद है, मांगे तो मोर नहीं मांग। बहुत अच्छे। अब एक हीरो ने गुगली सुपारी खाई, उसके स्कूटर पर हीरोइन आकर बैठ गई, जैसे प्रेजेंट में मिली हो। ऐसा कभी होता है, मैंने भी खाई, मेरी साइकिल पर तो कोई हीरोइन नहीं है, हालांकि मेरे हाथ में भी भाग्य रेखा है, सिर्फ भाग्य में रेखा नहीं। लेकिन एक बात बता दूं श्याम जी, अगर आपके भाग्य में रेखा होती
तो मुकेश अग्रवाल हो गए होते। देखो मेरा सुख इनसे देखा नहीं जा रहा, पर बंजारा जी मैं भी आपको बता दूं, मुकेश अग्रवाल की तरह रेखा के साथ सिर्फ 4 दिन जी लेना अपनी इस मरी खपी 100 साल की उम्र से ज्यादा अच्छा। बहुत अच्छा। अरे क्वालिटी देख, क्वालिटी क्वांटिटी मत देख। क्या बात है, वाह श्याम जी वाह, बहुत अच्छे। क्या करें, अब मैंने पत्नी को खुश करने के लिए कहा, मैंने 50,000 रुपये का बीमा, एक खुशी की बात है कि मैंने 50,000 रुपये का बीमा करवा लिया। वो बोले मुझे तो सच्ची खुशी तब होगी जब रुपये हाथ में आएंगे। फिर भी मैं उसका छोटा छोटा मोटा ध्यान रखता हूँ, क्योंकि पति और पत्नी मिलकर दंपति बनते हैं, और दंपति दंपति तभी तक रह सकते हैं जब तक पति में दम हो। क्या बात है, वाह बहुत अच्छे। तो कहा श्रीमती जी ने, ज्वालामुखी जी म्यूजियम चले। कहा श्रीमती जी ने, ज्वालामुखी जी म्यूजियम चले। मैंने कहा नहीं, बिना बुलाए कहीं नहीं जाएंगे, म्यूजियम वालों को जरूरत होगी तो वो खुद आएंगे और तुझको ले जाए। बहुत अच्छा। ये शादी हो गई तो मैं कवि बन गया, पर शादी नहीं होती तो एक बहुत बड़ा गोल्डन चांस था वो मैं चूक गया, वो बताकर मैं महापर्याण को प्राप्त होऊंगा। ज्वालामुखी शादी करके हो गए बड़े दुखी, ज्वालामुखी शादी करके हो गए बड़े दुखी, वरना दुनिया में होते तुम सबसे सुखी, क्या तुक मिलती क्या जोड़ी जमती, इधर युक्तामुखी इधर ज्वालामुखी। और मित्रों में बुला रहा हूं बहन कविता किरण फाल्ला। हाँ तो कविता जी, मैं आप सबको प्रणाम करती हूँ और 4 पंक्तियों से अपनी बात शुरू करती हूँ। गीत गाते रहे गुनगुनाते रहे, साथ जब तक निभे हम निभाते रहे, है तभी तक मजा इस हसी शाम का, आप सुनते रहे हम सुनाते रहे, आप सुनते रहे हम सुनाते रहे, कि दरवाजे पर देख गधा पति को मजाक सूझा, सोचा अपनी पत्नी को कर दे खबर जी, दरवाजे पर देख गधा पति को मजाक सूझा, सोचा अपनी पत्नी को कर दे खबर जी, पत्नी से यूं बोले सुनती हो मेरी प्राण प्रिय, रिश्तेदार आपके हैं आए अपने घर जी, पत्नी दौड़ी द्वार पर पड़ी गधे पे नजर, माजरा समझ झट बदले तेवर जी, और घूंघटा निकाल बोली जाओ पिया तुम ही जाओ, और कोई नहीं ये तो है मेरे ससुर जी। कि मौसम ने बदले रंग तेरी याद आ गई, मौसम ने बदले रंग तेरी याद आ गई, सावन के संग संग तेरी याद आ गई, सावन के संग संग तेरी याद आ गई। और शेर देखिएगा, कि दिन छेड़ता है तेरा नाम लेके बार बार, दिन छेड़ता है तेरा नाम लेके बार बार,
करती है रात तंग तेरी याद आ गई। क्या बात, वाह। करती है रात तंग तेरी याद आ गई, सावन के संग संग तेरी याद आ गई। कि शहनाई के सुरों के जैसे कांपता है तन, शहनाई के सुरों के जैसे कांपता है तन, तन है या जल तरंग तेरी याद आ गई। क्या बात, वाह 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 वाह। तन है के जल तरंग तेरी याद आ गई, सावन के संग संग तेरी याद आ गई। और लहरा के गिर पड़ू न झट से डोर थाम ले, लहरा के गिर पड़ू न झट से डोर थाम ले, मैं हो गई पतंग तेरी याद आ गई, मैं हो गई पतंग तेरी याद आ गई, सावन के संग संग तेरी याद आ गई। और कब से थिरक रही है आरजू की मेनका, कब से थिरक रही है चाहतों की मेनका, तप हो गया है भंग तेरी याद आ गई, वाह वाह वाह। तप हो गया है भंग तेरी याद आ गई, सावन के संग संग तेरी याद आ गई। और पंक्तियां देखिएगा, कि रह रह के बज रही है धड़कनों में बांसुरी, वाह, कोई सुना रहा है धड़कनों में बांसुरी, मन में बजे मृदंग तेरी याद आ गई। क्या बात, वाह वाह। मन में बजे मृदंग तेरी याद आ गई, सावन के संग संग तेरी याद आ गई। और आखिरी पंक्तियां देखिएगा, कि आई बहार ऐ किरण तू भी कहीं से आ, वाह। आई बहार ऐ किरण तू भी कहीं से आ, बेकाबू है उमंग तेरी याद आ गई, वाह। बेकाबू है उमंग तेरी याद आ गई, मौसम ने बदले रंग तेरी याद आ गई, सावन के संग संग तेरी याद आ गई। कि घर से बाहर यूं मत निकलो सज धज नाजों नखरों से, घर से बाहर यूं मत आप ताली बजा सकते हैं साथ साथ, घर से बाहर यूं मत निकलो सज धज नाजों नखरों से, देख रहे हैं लोग न जाने कैसी कैसी नजरों से, कैसी कैसी नजरों से। घर से बाहर यूं मत निकलो सज धज नाजों नखरों से, देख रहे हैं लोग न जाने कैसी कैसी नजरों से। और पंक्तियां देखिएगा, कि एक लड़की जो बंद कली थी गुल से गुलशन हो गई, एक लड़की जो बंद कली थी गुल से गुलशन हो गई, आते जाते दीवानों के दिल की धड़कन हो गई। सारा ही बाजार गरम है बस ऐसी ही खबरों से, देख रहे हैं लोग न जाने कैसी कैसी नजरों से। और छंद देखिएगा,
कि सावन के भीगे मौसम में जुल्फें तुम बिखराना ना। वाह। सावन के भीगे मौसम में जुल्फें तुम बिखराना ना। पूनम की चांदी रातों में छत पर तुम आ जाना ना। क्या बात है। आशिक उठ कर आ जाएंगे अपनी अपनी कब्रों से। वाह 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 लगता है वहीं से उठकर आ रहे हैं सीधे। फिर से पड़ेगा। वाह क्या बात है। कि सावन के भीगे मौसम में जुल्फें तुम बिखराना ना। पूनम की चांदी रातों में छत पर तुम आ जाना ना। आशिक उठ कर आ जाएंगे अपनी अपनी कब्रों से। देख रहे हैं लोग न जाने कैसी कैसी नजरों से, कैसी कैसी नजरों से। और मनुष्य की जैसे प्रवृत्ति होती है कि सबसे सुंदर फूल हो जो भंवरे उस पर मंडराते हैं। सबसे सुंदर फूल हो जो भंवरे उस पर मंडराते हैं। मछली गर सोने की हो मछुआरे जाल बिछाते हैं। क्या बात। मछली गर सोने की हो मछुआरे जाल बिछाते हैं। हमने तो आगाह किया है आने वाले खतरों से। देख रहे हैं लोग न जाने कैसी कैसी नजरों से। कि बाहर के श्रृंगार का जादू कुछ घंटों का होता है। कि बाहर के श्रृंगार का जादू कुछ घंटों का होता है। सीधा सादा रूप सलोना और भी मादक होता है। सीधा सादा रूप सलोना और भी मादक होता है। सागर को क्या फर्क पड़े है कुछ शबनम के कतरों से। सागर को क्या फर्क पड़े है कुछ शबनम के कतरों से। देख रहे हैं लोग न जाने कैसी कैसी नजरों से। घर से बाहर यूं मत निकलो सज धज नाज़ों नखरों से। देख रहे हैं लोग न जाने कैसी कैसी नजरों से। भाई जॉनी बैरागी। माना घर को मंदिर की तरह संवारती नारिया। वाह सरबदारी कर रहा हूं माता बहनों। एक पंक्ति समर्पित इनको और एक पंक्ति समर्पित इनको। माना घर को मंदिर की तरह संवारती है ये नारिया। माना घर को मंदिर की तरह संवारती है नारिया। पर अगर हम मर्द नहीं होते तो क्या मक्खियां मारती है नारी। क्या बात है जोनी। बहुत अच्छे। वाह 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 क्या बात है। वाह बहुत अच्छे। वाह जमाना खराब है और कैसी कैसी नजरों से देख रहे हैं लोग है? अरे भाई जो बुरी नजर से देखे उसका मुंह काला। वीर रस वीर रस वीर रस। अरे वीर रस कविता मैं कह रहा हूँ। कविता बहुत वो चीज है। कविता तो लिखना ही हम सीखे ही नहीं है। हमारे दादा बैठे हुए हैं मंच के वरिष्ठ कवि हैं। जानी बैरागी तो कविता लिखना जानता ही नहीं है। मेरी माता बहनें बैठी है। वीर रस के लिए मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कारगिल की पहाड़ियों में हजारों सैनिक मर गए। हजारों सिंदूर भरी मांग उजड़ गई। राजस्थान की बात है नाथ द्वारा भगवान श्री नाथ जी की धरती पे एक शहीद की अर्थी पड़ी हुई है तिरंगे के अंदर। उसकी लाश को जब लपेटा हुआ है और एक बूढ़ी माँ अपने बेटे की अर्थी को जब देखती है और एक तरफ उसकी पत्नी खड़ी है और एक तरफ उसका बूढ़ा बाप खड़ा है
एक पत्रकार जब कुछ सवाल पूछता है उसकी पत्नी से और उसकी माँ से, तो वो माँ भारत की नारी सिर्फ यही शब्द कहती है कि वतन, वतन के प्रहरियों के लिए कोई सुबह और कोई सांझ नहीं है। आशीर्वाद देना यहां से वहां तक जानी बैरागी नगर लिखने की कोशिश करिए तो, अरे वतन, वतन के प्रहरियों के लिए कोई सुबह और कोई सांझ नहीं है, और हजार दो हजार शहीद भी हो जाए तो क्या हुआ, भारत की नारी कोई बांझ नहीं है। देश के कुछ वीआईपी क्वालिटी के भिखारी बता रहा हूं मैं, वीआईपी क्वालिटी इस कदर सरकार बनी देश में अटल बिहारी के बस्ती बनते देर नहीं और लाइन लग गई भिखारी की, भिखारी भी वीआईपी, ये वीआईपी भिखारी और भिखारन हद कर दे, महीना पूरा होई नहीं और दिल्ली में कटोरा धर दे, इनकी मांग पूरी करो, इनका कटोरा पूरा भरो, नहीं तो एक वो मद्रास की भिखारन जाए ललिता रूट जाए, वो रूट जाए तो अटल जी की किस्मत फूट जाए, बुढ़ापे में कुर्सी मिली हाथ से छूट जाए, और इन औरतों के मुंह कौन लगे ब्रह्मचारी ठहरे मर्यादा टूट जाए। क्या बात है, अरे संकट में यह देश फंसा, संकट में यह देश फंसा और आत्मा इनकी रोती नहीं है, करोड़ों के घोटाले और पूर्ति होती नहीं है, दिल्ली में कटोरा मत रखो जयललिता अपने बाप की बपोती नहीं है। वाह, औरत हो तुम, औरत हो तुम, औरत की तरह रहो, जो कहना है साफ साफ कहो, कितना गंदा था तेरा व्यवहार, तेरे व्यवहार से शर्मिंदा था पूरा दिल्ली का दरबार, अरे मुट्ठी भर सांसद को लेके मद में फूल रही थी तुम, औरत होकर औरत की परिभाषा को भूल रही थी तुम, तुम्हारी कामना थी मैं दिल्ली की महारानी बनूं, पर यह सपना सच्चा नहीं लगता, क्योंकि गुलाब के बगीचे में धतूरे का फूल। क्या बात है, वाह जोनी, वाह 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 जोनी, बहुत अच्छे, क्या बात बेटे, वाह क्या बात है, वाह 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 वाह, फिर से पढ़ो, ये पंक्तियां फिर से पढ़ो, बहुत अच्छे है, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं 10 पंक्ति आपके बीच में, ये नौजवान बैठे हुए हैं राजस्थान के रण बांकुर है, एक बात पढ़ना चाहता हूँ और उस व्यक्ति का नाम लेके कुछ पंक्तियां पढ़ना चाहता हूँ। मैं कह रहा था कि एक मिसाइल बनाई हमने पृथ्वी टू, और पाकिस्तान के वैज्ञानिकों ने एक मिसाइल बनाई गोरी, गोरी और पृथ्वी, हमने पृथ्वी बनाई है वहां पर गोरी बनी है, दो शब्दों को ध्यान में रखना और मेरी बात को सुनना और आशीर्वाद देना। देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी दिल्ली से लाहौर लेक बस सेवा और समझौता एक्सप्रेस ट्रेन, बस में बैठ करके अटल बिहारी वाजपेयी लाहौर जाते हैं और पाकिस्तान से दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं, और जब हमारी दोस्ती को ठुकरा देते हैं तब कुछ पंक्तियां जानी बैरागी लिखने की कोशिश करता है कि अरे दगाबाज पाकिस्तान मित्र, हमने तुझे मित्र बनाया, अरे दगाबाज पाकिस्तान मित्र, कितना गंदा है तेरा चरित्र, मित्र बनाकर मित्र के साथ दगा करना दुनिया की सबसे बड़ी गद्दारी है, और हम मित्र के साथ कभी दगा नहीं करते क्योंकि हम सत्य और अहिंसा के पुजारी हैं। बहुत अच्छा, हम मित्र के साथ कभी दगा नहीं करते क्योंकि हम सत्य और अहिंसा के पुजारी हैं। अरे हर बार तो मैं गोरियों से डराता रहा, फिर एक बेंजीर भुट्टो नाम की गोरी थी अब ये गोरी, एक वो शेख हसीना नाम की गोरी, अरे हर बार तो मैं गोरियों से डराता रहा, उस अमेरिका के बल पे इतराता रहा, पहले भी वो बेंजीर भुट्टो हत्यारी जिसने खून से भर दी थी केसर की क्यारी, खराब हो गई थी उसकी नियत देख देख के श्रीनगर की फुलवारी, और माना के बूढ़ा है अटल बिहारी, पर जिस दिन लालू का दिमाग खराब हो गया राबड़ी बाद में पहले बेंजीर तेरी बारी बहुत अच्छे, वाह जानी वाह, क्या बात, हम तो सत्य और अहिंसा के पुजारी है। हाँ जोनी, अरे अरे गोरी, हर बार तू गोरियों पे, हर बार हमें तू गोरियों से डराता रहा, उस अमेरिका के बल पे इतराता रहा, पहले भी वो बेंजीर भुट्टो नाम की हत्यारी जिसने खून से भर दी थी केसर की क्यारी, खराब हो गई थी देख देख के नियत हमारी, अरे माना के बूढ़ा है अटल बिहारी, पर जिस दिन लालू का दिमाग खराब हो गया राबड़ी बाद में पहले बेंजीर तेरी बारी, अरे गोरी, अरे आशीर्वाद देना तो जाने बैरागी को इस पंक्ति पे आशीर्वाद देना कि बड़ी विचित्र परिस्थिति है मेरे देश की, ये वो देश है जहां एक विदेशी पर्यटक बंबई की गलियों से जब गुजरता है उस विदेशी पर्यटक की विशेष तरह की वेशभूषा को देख करके कुछ कुत्ते उसके ऊपर भौंकने के लिए दौड़ते हैं, उस विदेशी पर्यटक ने उसके जेब में से एक पार्ले जी बिस्किट का पैकेट निकाला, दो चार पैकेट बिस्किट उस कुत्ते को डाले, कुत्ते ने बिस्किट खाए, भौंकना बंद कर दिया। वही विदेशी पर्यटक जब थोड़ा आगे गुजरता है, आगे जाता है, उसने देखा एक गली के अंदर एक चिड़ियाघर है, अजायब घर, उस चिड़ियाघर के अंदर एक शेर, उस विदेशी की वेशभूषा को देख के वह शेर उसके ऊपर दहाड़ता है,
परंतु मजबूरी थी उस शेर की कि उसके गले में जंजीरें पड़ी हुई थी। उस विदेशी ने सिगरेट का कस खींचते हुए टिप्पणी करी कि यह हिंदुस्तान कैसा मुल्क है जहां तलवे चाटने वाले कुत्ते बाजार में घूमते हैं और दहाड़ने वाले शेरों को गले में जंजीरें डाल दी जाती है। क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तब आशीर्वाद देना, दो पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। वो आदमी कर कुछ भी चाह नहीं सकता परंतु बोलने की हिम्मत रखता है वो व्यक्ति। इस देश के अंदर सिर्फ एक व्यक्ति है जो बोलने की हिम्मत रखता है कि अरे गोरी क्या हमने जनरल डायर जैसे गोरे देखे हैं, अरे गोरी क्या हमने जनरल डायर जैसे गोरे देखे हैं, हमने उद्धम सिंह बनकर लंदन में बम फेंके हैं, पर जिस दिन हम पृथ्वी राज बनाए उस दिन तेरी गोरी 18 बार सलाम ठोकेगा, और बंबई से बाल ठाकरे की बगावत की आंधी उठी तो कौन तेरा बाप रोकेगा। जोनी बहुत अच्छे, जोनी बहुत अच्छे, क्या बात है, वाह बेटे वाह, बहुत अच्छे जोनी, वाह क्या बात है। कि अरे हम इस बात को अच्छी तरह से मानते हैं, अरे इस बात को हम अच्छी तरह से मानते हैं, इस बात को हम अच्छी तरह से जानते हैं कि तेरे सर के ऊपर अमेरिका की बहुत देखरेख है और अमेरिका 5 परमाणु संपन्न देशों में से एक है, तो तू उस अमेरिका के आगे जाके अपनी फरियाद बांटता है जिस देश का राष्ट्रपति खुद 2 कोड़ी की वेश्या के तल में चाड़ता है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। नारी संसार में कुछ है, नारी देश में बहुत कुछ है, और नारी आदमी की जिंदगी में सब कुछ है। नारी संसार में कुछ है, नारी देश में बहुत कुछ है, और नारी आदमी की जिंदगी में सब कुछ है। अरे याद करो एक लक्ष्मी की शमशीर के आगे अंग्रेजों के छक्के छूट गए थे, पद्मिनी के आगे कई आईने टूट गए थे, परंतु जिस नारी को घर आंगन में पलना था वह किसी अनाथ आश्रम में पल रही है, जिस नारी को घर में दीपक की तरह जलना था वह किस तंदूर में जल रही है, और जिस नारी की पांव की बेजनियां कृष्ण के मंदिर में बजना था वह किसी महफिल में बज रही है, और जिस नारी को घर आंगन में सजना था वह किसी कोठे पे सज रही है। क्या बात है, वाह वाह जोनी, बहुत अच्छे। नारी की चूड़िया जब टूट जाती है, नारी की सिंदूर भरी मांग जब रूठ जाती है, नारी का मंगल सूत्र जब कहीं खो जाता है, दंगे फसाद में बाबुल कहीं अर्थी पे सो जाता है, नारी की हरी भरी गोद जब कहीं सुनी हो जाती है, नारी की सिंदूर भरी मांग जब खूनी हो जाती है, बार बार अत्याचार होने पे नारी बेवफा और फरेवी हो जाती है, और बार बार अत्याचार होने पे नारी कोमल कर में बंदूक उठाकर फूलन देवी हो जाती है। क्या बात है, वाह 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 वाह। मैं कुछ पंक्ति आपके बीच में रखना चाहता हूं, आशीर्वाद चाहता हूं। बात वही है, मैं पहले कह चुका हूं कि राजस्थान की सरजमी पे एक शहीद की अर्थी पड़ी हुई है, तिरंगे में उसकी लाश लिपटी हुई है, और एक तरफ उसकी बूढ़ी माँ देख रही है, उसकी पत्नी खड़ी है। साहब आशीर्वाद देना, ये निवेदन करना चाहता हूँ, एक ये निवेदन करना चाहता हूँ। मध्य प्रदेश से आया हूँ, मध्य प्रदेश भोपाल, राजधानी भोपाल। हमारे पिछले दिनों कुछ हुआ था कि हमारे यहाँ के बम्बई से बंजारा जी जानते हैं, एक फिल्म अभिनेता को हमने वहां बुलाया था, फिल्म अभिनेता एक थे, उन्होंने इन शब्दों का प्रयोग करा कि साहब देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को करोड़ों हजारों करोड़ों रुपया बिगाड़ना और हजारों सैनिक कारगिल की उन पहाड़ियों के लिए मरवाना जरूरी नहीं था। तब जाने बेरा की कुछ पंक्तियां पढ़ना चाहता है उस फिल्म स्टार के नाम पे। हाँ जी, कि कारगिल है क्या, कारगिल यूं तो बर्फीली धरती है। एक एक पंक्ति को सुनना, और कहीं बात अच्छी लगे तो आशीर्वाद देना, तालियां ना भी बजाएंगे तो अब चलेगा, बस मुझे लगना चाहिए कि आपने मेरी कविता सुनी। कि कारगिल यूं तो बर्फीली धरती है पर वहां जवान बेटों की अर्थी है। कारगिल यूं तो बर्फीली धरती है पर वहां जवान बेटों की अर्थी है। तपता हुआ गगन, उजड़ा हुआ चमन, वार पर वार गोलियों की बौछार, कांटों भरी डगर है और कारगिल शहीदों के खून से सने हुए पत्थर। क्या बात, वाह वाह। फुलवारी का नाम नहीं, कटीले झाड़ है, कहीं खुला मैदान कहीं आड़ है, चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ है, और कारगिल में कुछ कुत्तों को भगाने के लिए शेरों की दहाड़। न पनगट है न पनियारी है, खून से सनी क्यारी है, 156 और बमबारी है, चारों तरफ मौत ही मौत है, और कारगिल जिन्ना के कुकर्मों का प्रतिशोध है।
क्या बात है, वाह वाह वाह। फुलवारी का नाम नहीं कटिले झाड़ है, न खून से सनी क्यारी है, एक 56 और बम बारी है, चारों तरफ मौत ही मौत है, और कारगिल जिन्ना के कुकर्मों का प्रतिशोध है, कारगिल सजनी का श्रृंगार है, कारगिल सजनी का श्रृंगार है, प्रीतमा का प्यार है, बहना का रक्षा बंधन है, गुड़िया रानी का वंदन है, मित्र के इरादे हैं, प्रेमिका के वादे हैं, इन वादों को कोई तोड़ मत देना, और देश के कर्ण धारो इस पवित्र मिट्टी को गंदी राजनीति से जोड़ मत देना। बहुत अच्छा जानी, वाह क्या बात है, वाह। कारगिल सजनी का श्रृंगार है, प्रीतमा का प्यार है, बहना का रक्षा बंधन है, गुड़िया रानी का बंधन है, मित्र के इरादे हैं, प्रेमिका के वादे हैं, इन वादों को कोई तोड़ मत देना, और देश के कर्णधारों इस पवित्र मिट्टी को गंदी राजनीति से जोड़ मत देना। कारगिल मौसी के अरमान है, दादा की जान है, और देश का टुकड़ा बताने वाले कारगिल गांधी का गरीब हिंदुस्तान है। कारगिल गांधी का गरीब हिंदुस्तान है। कारगिल, कारगिल विवेक गुप्ता और अजय आहूजा की अस्थियों का ढांचा है। कारगिल विवेक गुप्ता और अजय आहूजा की अस्थियों का ढांचा है। कारगिल अमेरिका के गाल पे एक कड़ा तमाचा है, जहाँ की मिट्टी सारी दुनिया की ताकत को तोलती है, जहाँ बहना की टूटी हुई चुड़िया भी वंदे मातरम बोलती है। कारगिल अय्यारों के अय्यार की परिपाटी है। कारगिल चंदन से ज्यादा महकने वाली पावन माटी है। कारगिल बूढ़ी माँ के हाथों की लाठी है, और देश का टुकड़ा बताने वालों कारगिल महाराणा प्रताप की दूसरी हल्दी घाटी। क्या बात है जोनी, बहुत अच्छे, वाह जोनी वाह, क्या बात, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, वाह वाह। कारगिल देश का टुकड़ा बताने वालों, कारगिल महाराणा प्रताप की दूसरी हल्दी घाटी है। तो सबको प्यारा अपना वतन, अपने वतन के लिए घुसपैठ और दंगे हुए, बदले में बाजार में चूड़िया सस्ती कफन महंगे हुए, शोणित से लाल हो गई कारगिल की धरती, और बूढ़े बाप को उठाना पड़ी जवान बेटे की अर्थी। क्या बात है, वाह वाह वाह। शोणित से लाल हो गई कारगिल की धरती, और बूढ़े बाप को उठाना पड़ी जवान बेटे की अर्थी। देख के इस नरसंहार को भारत माता का कलेजा भर आया था, देख के इस नरसंहार को भारत माता का कलेजा भर आया था, और खून से लथपथ लाश को देख के बूढ़ी माँ की छाती से दूध उतर आया था। क्या बात है, वाह वाह। देख के इस नरसंहार को भारत माता का कलेजा भर आया था, और खून से लथपथ लाश को देख के बूढ़ी माँ की छाती से दूध उतर आया था, पर वतन पर शहीद हुआ है बेटा मेरा। साहब कविता बस इन दो पंक्तियों में आशीर्वाद चाहता हूँ कि वतन पर शहीद हुआ है बेटा मेरा, यह सोच कर बूढ़ा बाप जी गया, और नीर नैनों से उसने ऐसे सोख लिए जैसे स्वाति नक्षत्र के जल को पपैया। क्या बात है जोनी, वाह वाह जोनी वाह, वाह बात है, वाह। वतन पर शहीद हुआ है बेटा मेरा, वतन पर शहीद हुआ है बेटा मेरा, यह सोचकर बूढ़ा बाप जी गया, और नीर नैनों से उसने ऐसे सोख लिया जैसे स्वाति नक्षत्र के जल को पपैया पी गया, और धन्य है मेरा दूध, धन्य है मेरा पूत। यूं कहती हुई बूढ़ी माँ अपनी जबान को खोल रही थी, और पत्नी की खनखन से टूटती चूड़िया मानो वंदे मातरम बोल रही थी। फिर माथा चूम के बोल पड़ी वह बूढ़ी माँ कि मैं यह सारा कुकृत्य उस हत्यारे जनरल मुशर्रफ के नाम पे सौंपती हूँ, और अभी तो एक बेटा शहीद हुआ है, चारों बेटों को देश के नाम पे सौंपती हूँ। क्या बात, चारों बेटों को देश के नाम। बहुत अच्छे, क्या बात है। और इस कार्यक्रम का जो संचालन कर रहे हैं, बहुत बढ़िया ढंग से संचालित कर रहे हैं इस कवि सम्मेलन को। अब बिना किसी लंबी चौड़ी भूमिका के मैं आमंत्रित करूंगा भाई नरेंद्र बंजारा को, जिन्होंने खुद ही बता दिया कि कितनी कितनी फिल्म और टीवी सीरियल में उनके उनका अभिनय के जौहर आप सब लोग देख चुके हैं। दोस्तों, अभी तक मैं आपको कवियों को परोस रहा था। मेरी तो इच्छा ये थी कि कवि सम्मेलन बहुत अच्छा चल रहा है। तुम कहते हो केसर की क्यारी में नीम बबूले हैं, तुम कहते हो केसर की क्यारी में नीम बबूले हैं, तुम कहते हो हंसों के घर में गिद्धों के झूले हैं, तुम कहते हो पतझड़ गीला गीला सा हंसू का है, तुम कहते हो जंगल का राजा जंगल में भूखा है, तुम कहते हो पर्वत की ओटों में सूरज खोया है, तुम कहते हो पूनम की रातों में चंदा रोया है, तुम कहते हो माँ बेटे से मिलने को मोहताज है, तुम कहते हो गुंडों के सरताजों के सरताज है, तुम कहते हो दुश्मनी अपने घर के पहरेदार है, हम कहते इन घटनाओं के हम सब जिम्मेदार है, हम कहते इन घटनाओं के हम सब जिम्मे।
एक पड़ोसी था अपना जो लुच्चा और लफंगा था, खून खराबा करवाने वाला इज्जत से नंगा था। हुआ इलेक्शन, आकाओं ने उसको टिकट दिलाई थी, जनता बीच उठी आवाजें झूठी कसमें खाई थी। धोखे से उसने पीएम की कुर्सी पर अधिकार किया, उसका दोष नहीं था इस जनता ने उससे प्यार किया। आदत से मजबूर था भारत माता को बिकवाने में, पूरा साथ निभाया था जंकल जी को घर लाने में। अब चिल्लाते हो घर में बन गए किराएदार हैं, हम कहते इन घटनाओं के हम सब जिम्मेदार हैं, हम कहते इन घटनाओं के हम सब जिम्मेदार। एक कविता पढ़ना चाहता हूं मित्रों, भारत माता की छाती के घाव दिखाने आया हूं। आज 54 साल मेरे देश को आजाद हो गया है, हमारे महेंद्र जी भाई साहब कहां बैठे हैं, मैं चाहता हूं कि मेरे सामने आकर के बैठे। भारत माता की छाती के घाव दिखाने आया हूं, एक कविता पढ़ रहा हूं। पत्ते डाली सूखे डंठल ये बंजारा लाया है, कविता सुनिएगा आप, बाकी कवियों को भी सुन रहे थे। पत्ते डाली सूखे डंठल ये बंजारा लाया है, नेता का विष भरा कमंडल ये बंजारा लाया है, झूठे राजा जी का मंडल ये बंजारा लाया है, जनता के दुखड़ों का बंडल ये बंजारा लाया है। हर हर बम बम महादेव की रोम रोम ये बोल रहा, देख मेरे कश्मीर को घायल खून मेरा खंगोल रहा, उसका यार की हिम्मत देखो पाक से नाता जोड़ रहा, भारत के टुकड़ों पर पलने वाला भारत तोड़ रहा। जिन लोगों के दिल में भारत माँ के लिए प्यार नहीं, उन लोगों को भी भारत में रहने का अधिकार नहीं। जिन लोगों के दिल में भारत माँ के लिए प्यार नहीं, उन लोगों को भी भारत में रहने का अधिकार नहीं। काले नागों के जहरीले दांव दिखाने आया हूँ मैं, भारत माँ की छाती के घाव दिखाने आया हूँ मैं, भारत माँ की छाती के घाव दिखाने। आप लोगों ने रामायण पढ़ी होगी, रामायण जब सीता जी गुम हो जाती है तो भगवान राम को सीता जी का गले का हार मिलता है, तो भगवान लक्ष्मण को बुलाते हैं, लक्ष्मण जरा यहां आओ, इस हार को पहचानते हो? तो मित्रों लक्ष्मण ने यह कहा था कि भैया मैंने कभी भाभी का चेहरा नहीं देखा, मैं हार को नहीं जानता, मैंने जिंदगी भर भाभी के पैर देखे, मैं पायल को पहचानता हूं। जो लक्ष्मण भटक चुके हैं ये पंक्तियां उनके नाम। जिन बेटों ने दुश्मन से मिल माँ की कीमत यहां की हो, जिन बेटों ने बेशर्मी से माँ की नजरें ताकी हो, जिन बेटों ने माँ की छाती पर छुरियां चलवाई है, जिन बेटों ने आगे हो माँ की बस्ती जलवाई है, जिन बेटों को माँ की गद्दारी से मिलता भाड़ा है, जिन बेटों ने भारत माता के आंचल को फाड़ा है, बेटे को न समझे अपनी मैया की कुर्बानी को, कौशल्या देवकी यशोदा दुर्गा और भवानी को, यहाँ भगत सिंह शेखर बन के फिर से नई कहानी दो, भारत माता के खातिर हंसते हंसते कुर्बानी दो। हर भटके लक्ष्मण को भाभी के पांव दिखाने आया हूँ मैं, भारत माँ की छाती के घाव दिखाने आया हूँ मैं, भारत माँ की छाती के घाव दिखाने। हम जानते हैं गांधी एक व्यक्ति का नाम नहीं है, एक सिद्धांत का नाम है, एक विचार का नाम गांधी है। बहुत बढ़िया। गांधी जी कहां गलती करके चले मैं कहना चाहता हूं, मेरे देश को दूसरा गांधी नहीं मिल सकता, मेरे दूसरा बाबा अंबेडकर नहीं मिल सकता। मैं कहना चाहता हूं गांधी जी से कहां गलती हुई है। ये वो लोग जो साधु संतों को भगवान समझा जाता है, जिस धरती पर साधु संतों को सम्मान दिया जाता, ये कृष्णा की धरती है। मैं कहना चाहता हूं जिस धरती पर गांधी जी से कहां गलती हो गई, जिस धरती पर साधु संतों को सम्मान दिया जाता, जिस धरती पर गोमाता को माँ का मान दिया जाता, जिस धरती पर गोमा की पूजा करवाई जाती है, हिंदू धर्मों में देहों के संग में पाई जाती है, जिस घर में गैया होती उस घर को पाला होता है, काली कांडी करने वालों का दिल काला होता है, जिसका मूत्र भी गंगा अमृत जो बांटा जाता है, उसके बेटों के आगे उस माँ को काटा जाता है। एक गांधी की अहिंसा में बदलाव दिखाने आया हूँ मैं, भारत माँ की छाती के घाव दिखाने आया हूँ मैं, भारत माँ की छाती के घाव दिखाने। मुलायम सिंह यादव मुंबई आए, उन्होंने ये कहा हमें 2000 करोड़ रुपए पाकिस्तान को देने चाहिए। हमने कहा क्यों देने चाहिए?
तो मित्रों मुलायम सिंह यादव ने कहा, अरे भाई जो पाकिस्तान ने हम पे जो बम फोड़े हैं बेचारे का खर्चा हुआ यार, ऐसे सुनो, कुर्सी खातर लगे दुहाई देने चांद सितारों की, कुर्सी खातर लगे दुहाई देने चांद सितारों की, लाल किले से आवाजें हैं पाकिस्तानी नारों की, खालिस्तानी चिनगारी है बेहंत के हथियारों में, झारखंड के झंडे ऊंचे संसद की गलियारों में, जिनको फांसी होना था बैठे या का दरबारों में, फर्क नहीं है तन की यहाँ गद्दारों ठेकेदारों में, खून खराबा करते उनका सत्ता में सत्कार हुआ, पीएम की कुर्सी पर शेर दलालों का वार हुआ, वाघेला को बागी बनने की कैसी लाचारी है, चंद्रस्वामी के पीछे दाऊद वाली बीमारी है, ये संसद में चलते जूते पथराव दिखाने आया हूँ, मैं भारत माँ की छाती के घाव दिखाने आया हूँ, मैं भारत माँ की छाती के घाव दिखाने। मित्रों मैंने पहले कहा था कि राजस्थान मेरी जन्मभूमि है, मेरी कर्मभूमि महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र दो बंद आपके बीच में पढ़ने के लिए आया हूं, दो बंद पढ़ना चाहता हूं। कश्मीर जला पंजाब जला आसाम में आग लगाई है, कश्मीर जला पंजाब जला आसाम में आग लगाई है, कर्नाटक महाराष्ट्र तमिलनाडु तक ये परछाई है, कश्मीर तो क्या है पूरा पाकिस्तान हमारा है, आज न आने देंगे काश पर भक्त का ही इशारा है, कश्मीर के मुद्दे पर वो जो भी टांग लगाएगा, कश्मीर के मुद्दे पर वो जो भी टांग लगाएगा, श्री राम के चरणों की सौगंध मारा जाएगा, जिंदा या मुर्दा दाऊद में मन भारत में लाना है, भंबकार जिसने करवाया फांसी उसे चढ़ाना है, ये शिवाजी की धरती का प्रभाव दिखाने आया हूँ, मैं भारत माँ की छाती के घाव दिखाने आया हूँ, मैं भारत माँ की। और मित्रों एक आदमी है जिसको पूरी दुनिया जानती है, जिसके लिए मेरे भाई ने कहा था 9 पंक्तियों में वह बोल रहा है, 10 पंक्ति मैं बोल रहा हूँ, वो क्या कहता है, गद्दारों का क्या होगा अंजाम सुना नहीं आया हूँ, गद्दारों का क्या हो, बुद्धिजीवी कवि श्रोता बैठे हुए हैं, मेरी कविता का शीर्षक है भारत माता की छाती के घाव दिखाने आया हूं, गद्दारों का क्या होगा अंजाम सुना नहीं आया हूं, दुश्मन जिंदा दफना दो पैगाम सुना नहीं आया हूं, कुछ दिल में आ बैठा वो सद्दाम भगाने आया हूं, तुम्हारे दिल में सोया इंतकाम जगाने आया हूं, रामलला की धरती पर रावण का वंश नहीं होगा, अपने इन हाथों से अपनों का विध्वंस नहीं होगा, राष्ट्रगान संविधान का फिर अपमान नहीं होगा, अभिमान को तोड़ बुखारी पाकिस्तान नहीं होगा, बेनजीर को बातों से नहीं लातों से समझाना है, हमको ये केसरिया रावल पिंडी तक लहराना है, ये बाला साहब ठाकरे के भाव दिखाने आया हूँ, मैं भारत माँ की छाती के घाव दिखाने आया हूँ, मैं भारत। और कविता की अंतिम पंक्तियां गांव कहां कहां लगे मैं कहना चाहता हूं, जब से मेरा देश आजाद हुआ है बुद्धिजीवियों के सामने पंक्तियां रख रहा हूं, मेरे पत्रकार महोदय बैठे हुए, पेड़ा घाव लगा जिन्ना और नेहरू की मनमानी का, यह भारत माता की छाती और पहला घाव था, गांधी ने कहा था कि जिन्ना को प्रधानमंत्री बन जाने दे, लेकिन नेहरू को प्रधानमंत्री बनने की हवस थी, गांधी जी ने जिन्ना को प्रधानमंत्री बनने के लिए इसलिए कहा कि गांधी जी को मालूम था कि कैंसर के बीमार है, ये साल दो साल का मेहमान है, उसके बाद भारत हमारे पास रहेगा, लेकिन नेहरू नहीं समझ पाया। मैं कहना चाहता हूं पेड़ा घाव लगा जिन्ना और नेहरू की मनमानी का, एक एक बुद्धिजीवी श्रोताओं के सामने एक एक पंक्ति पर आशीर्वाद चाहिए, जब से मेरा देश आजाद हुआ है घाव कहां लगे कहने की हिम्मत मैं कर रहा हूं, आशीर्वाद देने की हिम्मत आप कीजिएगा। पेड़ा घाव लगा जिन्ना और नेहरू की मनमानी का, मैं समझ गया कि आप मुझे समर्थन देंगे, अंतिम में दीजिएगा, पहला घाव लगा जिन्ना, पहले घाव खोल लीजिएगा, पहला घाव लगा जिन्ना और नेहरू की मनमानी का, दूजा घाव है लाल बहादुर की बेमौत कहानी का, तीजा घाव लगाया था इंदिरा जी ने शैतानी में, भिंडर वाले को शह देकर आग लगा दी पानी में, झूठा वीपी धोखा देकर जा बैठा जुधानी में, कितने काम अधूरे छोड़े राजीव ने जिंदगानी में, राजीव ने शेखर को कुर्सी दिलवा दी नादानी में, लोगों ने सोनी या विधवा कर दी भरी जवानी में, तुम कहते हो आजादी मिलने पर भी बर्बादी है,
हम कहते हैं बर्बादी करवाने में ये खादी है, ये गूंगा बहरा देवी घोड़ा राव दिखाने आया हूँ, मैं भारत माँ की छाती के घाव दिखाने आया हूँ, मैं भारत माँ की छाती के घाव दिखाने। और मित्रों, मेरे भाई ने कहा था पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान वह कुत्ते की दुम है, उसको अगर कुत्ते की वह दुम है 50 साल तक लोहे के पाइप में रखो, आखिर में निकालोगे तो पाइप टेढ़ा हो जाएगा लेकिन पूंछ सीधी नहीं होगी। उसके लिए मैं दो बंद पढ़ना चाहता हूं अगले कवि को बुलाने के लिए। भारत से नफरत करने वाला शैतान कहां पर था, अगर मुशर्रफ नहीं माना तो मेरी बात सुन ले, तो चाहे यहां आकर के अटल बिहारी वाजपेयी गले मिल या गले पड़, यही होने वाला है। भारत से नफरत करने वाला शैतान कहां पर था, अमरीकन के तलवे चाटे वो दीवान कहां पर था, भुट्टो को दफनाने वाला कब्रिस्तान कहां पर था, जिन्ना के खूनी मंसूबों का रमजान कहां पर था, चंद दिनों में आता जाता वो विमान कहां पर था, आने वाली पीढ़ी पूछे पाकिस्तान कहां पर था। वाह 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 वाह। आने वाली पीढ़ी पूछे पाकिस्तान कहां पर था, हर जंग चिड़ी तो सुनो मुशर्रफ नाम निशान नहीं होगा, नक्शा तो होगा नक्शे में पाकिस्तान नहीं होगा, नक्शा तो होगा नक्शे में। भूल गया क्या लाल बहादुर की बेचोट निशानी को, भूल गया अब्दुल हमीद की भारत पर कुर्बानी को, भारत के हर मुसलमान को तूने मिर जाफिर समझा, कश्मीर को सुन नवाज क्या अब्बा की जागीर समझा, जितनी है औकात तेरी घोटाले मेरे देश में, अगर पाकिस्तान को दुनिया के सामने खड़ा करके उसकी लीलाम बोली लगा दी जाए उसका जितना पैसा नहीं आएगा उससे ज्यादा हमारे नेता पर हवाला कांड है। भूल गया कि लाल बहादुर की बेचोट निशानी को, भूल गया अब्दुल हमीद की भारत पर कुर्बानी को, भारत के हर मुसलमान को तूने मिर जाफिर समझा, कश्मीर को सुन नवाज क्या अब्बा की जागीर समझा, जितनी है औकात तेरी घोटाले मेरे देश में, जितनी जनसंख्या तेरी चौटाले मेरे देश में, हर हिंदुस्तानी मुसलमान तेरा भाई जान नहीं होगा, नक्शा तो होगा नक्शे में पाकिस्तान नहीं होगा, नक्शा तो होगा नक्शे में। अंतिम पंक्तियां कहना चाहता हूं इस कविता की। मुलायम सिंह ने कहा कि 2000 करोड़ रुपए देने चाहिए, क्यों कहा, हमारे दिलीप कुमार साहब जो यूसुफ खान से दिलीप कुमार बने राजस्थान में गए, राजस्थान की पगड़ी बांधने से उस आदमी ने मना कर दिया। वो कहता है वंदे मातरम में देश के गद्दारों की बू आती है, वंदे मातरम नहीं कह सकता मैं, वो आदमी पाकिस्तान में जाकर के पाकिस्तान का ताज पहन सकता है लेकिन हिंदुस्तान में पगड़ी बना पहनने से मना कर देता है। तो हमारा एक कवि कहता है वाह भाई दिलीप कुमार 80 लाख तेरे तो शंकर मेरे, ये गाना गाया था शंकर मेरे कब होंगे दर्शन तेरे, होना उसने तिलक लगाने से बंद कर दिया था। मैं कहना चाहता हूं भारत की जनता में से जिसने भी तेरा साथ दिया, तेरे खून सने हाथों में मजहब वाला हाथ दिया, तेरे मातम में मातम खुशियों में खुशी मनाएगा, बेइज्जत कर संविधान तेरे पद चिन्हों पर जाएगा, भारत के टुकड़े खाकर भी जो तेरे गुण गाएगा, नमक रामी वो कुत्ता जिंदा बनाया जाएगा, ये गद्दारों को फांसी होगी जीवन दान नहीं होगा, नक्शा तो होगा नक्शे में पाकिस्तान नहीं होगा, नक्शा तो होगा नक्शे में। और मित्रों, मैं 4 पंक्ति में बुलाना चाहता हूं उस डॉक्टर श्याम ज्वालामुखी को जो डॉक्टर है, नींद का मरीज बोला डॉक्टर सुनो प्लीज, नींद नहीं आती उपचार तो सुझाइए, नींद का मरीज बोला डॉक्टर सुनो प्लीज, नींद नहीं आती उपचार तो सुझाइए, डॉक्टर 2 गोली दे बोला एक सोते वक्त खाना, दूसरी ये गोली सुबह उठ गए तो खाइए, एक गोली मेरी काम करती है यो तमाम, एक गोली मेरी काम करती है यो तमाम, और हो जाता है राम नाम सत्य समझ जाइए, आइए तो वही डॉक्टर श्याम ज्वालामुखी, हारे गए हैं जोरदार तालियां बजाइए, हारे गए हैं जोरदार तालियां बजाइए। इस कवि सम्मेलन के समापन के लिए बुला रहा हूं
डॉक्टर श्याम ज्वालामुखी। चलो कुछ व्यक्ति जा रहे हैं, एक जगह तो मैं सुना रहा था सब चले गए, एक ही व्यक्ति बैठा था। मैंने कहा तुम कैसे बैठे हो, तुम कविता में समझते कि ऐसी बात नहीं है, तुम जिस माइक पर बोल रहे हो वो माइक मेरा है। बहुत अच्छे, तुम हटो तो मैं माइक लेके जाऊं। अच्छा है, पुलिस अधिकारी साहब जीआर साहब यहाँ हैं, असिस्टेंस ऑफ कमिश्नर साहब आ गए, ये हमारा अहोभाग्य है। पर मैं इनको कोई कविता समर्पित नहीं करूँगा, क्योंकि मैं कोई कविता इन्हें समर्पित करूँगा तो अंत में महेंद्र सिंघी साहब मुझे ही इनको समर्पित कर देंगे। अब मुझे समझ में नहीं आता, हुबली के जैन यूथ फेडरेशन को, इन जैन समाज को क्या हो गया, इसकी तलवार बंदूक तोपों की वीर रस की कविताओं को भी ऐसे सुन रहे हैं जैसे भक्तामर स्त्रोत का पाठ। समझ में नहीं आता ये क्या बात हो गई। खैर अच्छी बात है, वैसे मैं भी पहले वीर रस की कविताएं लिखता था और मेरी कविताओं का तो इतना असर पड़ता था कि दो चार श्रोता तो सुनते सुनते ही वीर गति को प्राप्त हो जाता। पर उसके बाद मैंने सोचा कि ये ठीक नहीं है, और मैं कहता हूँ कि जैन समाज में देखो क्या व्यक्ति हुआ था, दो भाइयों ने न किसी को तीर चलाई न तलवार चलाई, किसी को आलपिन तक नहीं चुभाई, जिसका डायरी में नाम लिख दिया उसी की कुर्सी हिल गई। क्या बात है, वाह, ये है अहिंसा की शक्ति, बहुत अच्छे, जिसे लोग हवाला कहते रहते हैं, पर ये अहिंसा की शक्ति है, अहिंसा से भी बहुत अच्छा काम हो सकता है। और यदि ये वीर रस की कविताएं आपको अच्छी लगती हैं तो इसे तो घर से निकाला ही हुआ है, चातुर्मास यही करने को तैयार है, रख लो। बहुत अच्छे, पर ऐसी बात नहीं है, सबका अपना अपना वक्त होता है, मैं आपको ज्यादा नहीं सताऊंगा, क्योंकि कहीं ऐसा नहीं हो कि एक एक करके सब चले। आजा बच्चा देखो ये घूम रहा है, अच्छा लग रहा, पर मुझे तो ये चिंता हो रही है कि रोज रात को भी इसी टाइम ऐसे घूम रहा होगा तो माता पिता पे क्या बीतती है। बहुत अच्छे। हाँ बैठ जाओ, जो भी हो, अभी मैं हम स्टेशन से आए, मुझे पता नहीं था कल्पना होटल किस है, मैंने एक व्यक्ति से पूछा कल्पना होटल इधर ही है, बोला हाउ, दूसरे से पूछा हाउ, तीसरे से पूछा हाउ, चौथे से पूछा वो बोला जी हाँ। मैंने कहा एक बात बता, ये सब हाउ हाउ क्यों बोलते हैं। वो बोला कि जो पढ़े लिखे नहीं होते, जाहिल होते, अनपढ़ होते, वो हाउ बोलते हैं, और जो पढ़े लिखे होते हैं वो बोलते हैं जी हाँ। मैंने कहा तुम तो पढ़े लिखे हो, वो बोला हाउ। बहुत अच्छे। तो कहीं भी कुछ भी हो जाता है, अब आप सब तो पैसे वाले हैं, मेरे थोड़ी तंगी थी, अमिताभ बच्चन साहब ने बुला लिया कौन बनेगा करोड़पति में, मैं चला गया। बहुत अच्छे। अब चला गया तो वो बोले ऐसा है, नाम ज्वालामुखी है तो ज्वाला बरसाओगे। मैंने कहा नाम से कुछ नहीं होता, नाम नवाज शरीफ हो तो वो शरीफ थोड़े ही हो जाते। क्या बात है, वाह वाह मित्र वाह। ये एपिसोड आप देख नहीं सकेंगे क्योंकि सेंसर हो गया है। सेंसर बोर्ड की एक आदत होती है, जिस बात में सेंस हो उसी को वो सेंसर कर दे। तो आप लाइव शो देख लें। वो बोले नाम ज्वालामुखी है तो ज्वाला बरसाओगे,
मैंने कहा नाम से कुछ नहीं होता, नाम नवाज शरीफ हो तो वो शरीफ थोड़े हो जाता, नाम जेठ मलानी हो तो वो हेमा मालिनी का जेठ थोड़े हो जाएगा। वाह वाह वाह। तो अच्छा ठीक है ज्वालामुखी जी, बतलाइए आपको 1 करोड़ रुपया मिल जाए तो आप क्या करेंगे? मैंने कहा आपके सुपुत्र अभिषेक को लेकर एक फिल्म बनाऊंगा। वे बोले अभिषेक को ही क्यों लेंगे, आजकल ऋतिक रोशन चल रहा है उसको क्यों नहीं लेंगे? मैंने कहा उसके पापा जी 1 करोड़ दे देंगे तो उसको ले लूंगा। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अपन तो मारवाड़ी है, जिधर फायदा हो वो काम कर लेते। अब मारवाड़ी से पूछ लिया स्वर्ग जाएगा, नर्क बोला जहाँ 2 पैसे का फायदा हो वहीं भेज दो। और ज्यादा अच्छा है दोनों के जंक्शन पे किराने की दुकान लगावे, जो इधर के भी ग्राहक आवे इधर के भी। आशावादी होता है, मैं भी आशावादी हूँ। आशावादी उससे कहते हैं जो माचिस की तीली जलाकर सामने वाले से सिगरेट मांगे। क्या बात है, वाह वाह। मित्र जोरदार तालियां बजाइए ताकि पता लगेगा आप कविता में सुनने में लगना है। वाह। तालियां ये कहां बजाते हैं, जैन समाज में ताली बजाने में हिंसा समझी जाती। पर छोटे मोटे मच्छर मर जाएं तो उसकी चिंता मत करो, बड़ी हिंसा बचाने के लिए छोटी हिंसा हिंसा नहीं होती। कवियों पर ध्यान दो, मच्छरों पर मत। तो आशावादी उसे कहते हैं जो माचिस की तीली जलाकर सामने वाले से सिगरेट मांगे। उससे बड़ा आशावादी वो होता है जो जन्म से गंजा हो फिर भी कंघा साथ लिए घूमे। बहुत अच्छे। उससे ज्यादा आशावादी वो होता है जो 70 वर्ष की उम्र में शादी करे फिर भी प्राइमरी स्कूल के पास में मकान बनवावे। बहुत अच्छे, क्या बात है। बच्चा होगा तो पढ़ने कहाँ जाएगा। और दुनिया में सबसे ज्यादा आशावादी वो होता है जो मारवाड़ी से माल खरीदे सिंधी को बेचे और फिर सोचे मुनाफा हो। क्या बात है, वाह वाह जामी, बहुत अच्छे। वाह क्या बात है, वाह जामी वाह। परचेजिंग में चोट, सेल में चोट, फिर सोचे मुनाफा होगा। तो मैं तो आशावादी भी था। तो बच्चन साहब बोले ठीक है ज्वालामुखी जी, आप और हम खेलते हैं कौन बनेगा करोड़पति। प्रश्न है चंदन तस्कर कौन है? नहीं कोई बोलो मत, बीच में मत बोलो, वहाँ वहाँ तो प्रोसीजर ही ऐसा ही है कि बाप का नाम भी पूछते हैं तो 4 ऑप्शन दे देते। क्या बात है, वाह जानी वाह, क्या बात है, वाह वाह वाह। प्रश्न है चंदन तस्कर कौन है? ए डाकू मोहर सिंह, बी माधो सिंह, सी फूलन देवी, डी वीरप्पन। मैंने कहा डी वीरप्पन। आर यू श्योर? श्योर। कॉन्फिडेंट? कॉन्फिडेंट। तो वीरप्पन को ताला लगा दे। मैंने कहा हिम्मत है तो लगाकर बताओ। क्या बात है, वाह वाह श्यामी वाह, बहुत अच्छे, वाह वाह वाह, क्या बात। दो सरकारें जिसे ताला लगा नहीं सकी, आप उसे ताला लगा देंगे फिर कहाँ जाएंगे? और बच्चन साहब एक बात कहूँ, जरा ध्यान से सुनो, शायद आपको जचेगी। वीरप्पन का नाम जरा धीरे बोलो, वो जो सुन लेगा तो 1 लाइफ लाइन नहीं बचेगी। क्या बात है, वाह श्याम जी वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे, क्या बात, वाह
बहुत अच्छा श्याम जी, वाह। वो हवा में उड़ता उड़ता आएगा और राजकुमार को छोड़ दिया उसकी एवज में, कहीं आपको न ले जाएगा। अब भगवान जानते हैं, हमारे बंबई की पुलिस तो बहुत अच्छी है, कर्तव्य पारायण है। यहाँ की पुलिस में मैं कर्तव्य पारायणता नहीं देख रहा हूँ, वहाँ तो 12 बजते ही कवि सम्मेलन को बंद करवा देते। बोलो जी, वाह क्या बात है जाम जी, वाह। अब करवा देना चाहिए, इतनी देर हो गई, आप ही घर जाओ और हम ही जाने, मुक्त हो मैं, क्योंकि अब जितना होना था वो तो हो गया। अब तो आप सब ऐसे बैठ गए जैसे बैठ नहीं आए हो। बहुत अच्छे, चलो इनकी मेहरबानी है, थोड़ा और चल रहा है चला देते हैं, क्योंकि हमें तो हमारे तो इधर उधर कहीं अता पता है नहीं, इसलिए यहाँ आ गए। बाकी आप लोगों के घर बाहर हो तो चले जाओ। बहुत अच्छे, और घर में बाहर नहीं है तो बाहर। बहुत अच्छे। तो अभी हैं वो बोल रहे मजा आ गया साहब। मजा तो खैर, मजा किसी के बाप का नौकर नहीं है। नहीं आवे रात भर, नहीं आवे आवे तो सुबह 4:15 बजे। वाह जान जी वाह, क्या बात है, बहुत अच्छे। जाम को उलट दो मजा आ जाता है। वाह वाह, जाम को उलट दो मजा आ जाता। चाहे जाम को पैमाने में उल्टो, चाहे जाम लिखो उसे उल्टा कर दो, मैं इधर आ गया जा इधर आ गया, मजा। वाह। मुझे याद है एक भिखारी ने मंदिर के बाहर बैठा था, कुछ नहीं मिला। मस्जिद के बाहर बैठा, कुछ नहीं मिला। गुरुद्वारा के पास बैठा, कुछ नहीं मिला। गिरजे के बाहर भी कुछ नहीं मिला। हार थक के एक मैखाने के सामने सुस्ता रहा था, तो महेंद्र भाई अटम सटम कई जने निकले, जो जेब में था दे दिया, काफ़ी पैसे हो गए। तो उसने ऊपर आसमान में उंगली उठा के कहा, हे ईश्वर, हे अल्लाह, हे खुदा, तेरी भी अजीब अजीब लीला है, रहता कहाँ है और पते कहाँ कहाँ। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। तो ये तो प्यार का मैखाना है, जितनी देर आप सुनेंगे सुनाते रहेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। पर एक बार जगह, कई जगह ऐसा भी होता है, सुनाते सुनाते एक व्यक्ति बोला, मेरे पास पता नहीं था, घड़ी नहीं थी, टाइम ज़्यादा हो गया। वो बोला, घड़ी नहीं थी तो पीछे कैलेंडर तो लटक रहा था। तो अब तो तारीख ही बदल गई, कहीं महीने नहीं बदल जाए। एक रचना दे रहा हूँ। हाँ श्याम जी, वैसे प्यार प्रेम की कविताएं, कई जने बड़ी उम्र में शादी करते हैं तो बड़ी कष्ट होता है। कैसे होता है, एक विधवा के 3 बच्चे बहुत अच्छे, एक विधुर के 3 बच्चे बहुत अच्छे, विधवा ने विधुर से शादी कर ली, फिर हो गए 3 बच्चे, कुल 9 बच्चे, सबके सब बड़े अच्छे। अब एक दिन पत्नी ने पतिदेव को ऑफिस में फोन किया, हे प्राणनाथ, फौरन घर आवो, घर को गृहयुद्ध से बचाओ, आप ऑफिस में कलम घसीट रहे हैं और यहाँ मेरे बच्चे और तुम्हारे बच्चे मिलकर हमारे बच्चों को पीट रहे। बहुत अच्छे श्याम जी, क्या बात है। ऐसी कई समस्या हो जाती। अभी केतन भाई पारीख ने घोटाला कर दिया। वैसे मैं कविताएं ये नहीं है कि केवल हंसाने के लिए सुनाता हूँ, केवल हंसने के लिए तो मेरी शक्ल देख लेना ही काफ़ी। एक व्यक्ति ने मुझे कहा कि तुम हंसते नहीं हो, सुनाते हो, सबको हंसाते हो। मैंने कहा, मैं हंसूँगा तो ही कोई फायदा नहीं, भगवान ने शक्ल ऐसी बनाई कि हंसूंगा तो भी रोता हुआ दिखता।
मैंने उसे कहा इसलिए नहीं हंसते, महापुरुषों के यही लक्षण होते हैं कि वो जनता के लिए सब करते हैं, खुद के लिए कुछ नहीं करते। अब वो क्या कैसे, मैंने कहा देखो गांधी जी महापुरुष थे, गांधी जी ने गांधी टोपी चलाई, पूरे देश को पहना दी, खुद ने कभी पहनी क्या? तो महापुरुष सबके लिए करते हैं, खुद के लिए नहीं करते, और ये महापुरुषों के लक्षण हैं। अभी केतन भाई पारिक से मैंने पूछा ये पैसा कैसे आता है, वो बोला ऐसा है दिवाली के दिन रात को घर का दरवाज़ा खुला रखना। मैंने कहा क्यों, वो बोले इसलिए कि दिवाली के दिन रात को 12 बजे घर में लक्ष्मी आती है। मैंने कहा ठीक है आप भी खुले रखना। वो बोला मैं क्यों खुले रखूं, मेरे घर में तो लक्ष्मी है। मैंने कहा वो तो मैं भी जानता हूं, पर जब तेरे घर से निकलेगी। क्या बात है, वाह 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 श्याम जी वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तो पहले हर्षद मेहता ने घोटाला किया, उसी की वंश बेल में केतन भाई पारीख ने कर दिया। तो मैंने हर्षद से पूछा कि भाई हर्षद नाम क्यों है, तो पहले हर्ष बाद में दर्द, पहले भाव चढ़ते हैं खुशी होती है, बाद में गिरते हैं दर्द होता है। हर्षद के सौजन्य से रिजर्व बैंक की गाड़ी रिजर्व में आ गई। बहुत अच्छे, वाह क्या बात है। पहले रिवर्स में चल रही थी। बहुत अच्छे, हर्षद की महान कृपा से कई शेयर होल्डर्स लखपति बन गए, पहले वे करोड़पति थे। बहुत अच्छे, क्या बात है। सरकार ने हर्षद की संपत्ति जब्त कर ली, हर्षद नाराज नहीं हुआ। पूरे देश में वही एकमात्र व्यक्ति है जिसका पैसा छीन लो तो नाराज ही नहीं होता। सरकार ने हर्षद की संपत्ति जब्त कर ली, हर्षद नाराज नहीं हुआ। धोबी के घर चोरी हुई, धोबी का क्या गया? क्या बात है, वाह वाह श्याम जी वाह, बहुत अच्छे क्या बात है, वाह। हर्षद ने जेठमलानी जी को फोन किया, मुझे बचा लो। जेठमलानी जी एकमात्र ऐसा वकील है जो हर गलत आदमी के लिए सही वकील है। सही आदमी इतना महंगा वकील कर ही नहीं सकता। हर्षद ने जेठमलानी जी को फोन किया, मुझे बचा लो। जेठमलानी बोले घबरा मत, जेल नहीं जाने दूंगा। हर्षद ने कहा जेल में से ही बोल रहा हूं। और मित्रों मैं महेंद्र जी सिंह से निवेदन करता हूं माइक पर आने की कृपा करें एक बार। और मैं भाई साहब के बारे में आप चेहरा देख रहे थे, मैं बताना चाहता हूं कि एक दिन हमारी भाभी बहुत हंसमुख स्वभाव की है, इनके विपरीत है। एक दिन हमने भाभी से कहा भाभी आप तो हंसती रहती, हंसमुख स्वभाव है, हमारे भाई साहब का चेहरा लटका हुआ रहता है, तुम्हें तकलीफ तो नहीं होती? तो भाभी ने बोला कोई तकलीफ नहीं होती भैया, कहीं अगर शादी ब्याह होती तो मैं चली जाती हूँ, किसी की मैयत होती तो इनको भेज देती हूँ। तो मैं अंतिम में कहना चाहता हूँ मित्रों को, सितारों को आंखों में महफूज रख लो, बड़ी दूर तक रात ही रात होगी, मुसाफिर हम भी मुसाफिर हो तुम भी, फिर नए मोड़ पर मुलाकात होगी। जय हिंद। मैं भाई साहब से निवेदन करता हूँ सिंघवी जी दो शब्द, आज का प्रोग्राम कैसा रहा और जनता आपकी ऑडियंस बहुत अच्छी थी। सभी कवि महोदय का मैं इस संस्था के मार्फत, हुबली के समस्त निवासियों के मार्फत आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और विशेषकर क्षमा याचना में हम लोग विश्वास करते हैं, डीके राणा जी से क्षमा याचना करते हुए आपका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। खासकर उन सभी दानदाताओं का, उन सभी युवा श्रोताओं का कि जिनकी प्रेरणा से कवि सम्मेलन, और खासकर उत्तम साठिया जी का, आप सभी का तहे दिल से पुनः एक बार धन्यवाद।